दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय कौटिल्य एकेडमी रीवा। नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज में पूजा। खबर रीवा जिले से है, जहां नईगढ़ी तहसील मुख्यालय सहित पूरे अंचल में अघोषित बिजली कटौती। एक तरफ जहां ग्रामीण किसान परेशान है, तो वहीं पेयजल का संकट भी गहराने लगा है। बिजली की आवाजाही का दौर रुकने का नाम नहीं ले रहा। आलम यह है कि दिन हो या रात, बिजली की अनिश्चितता बनी रहती है। एक तरफ जहां दिन में बिना सूचना के बिजली की कटौती की जा रही है, तो वहीं शाम की स्थिति बद से बदतर है। जहां कस्बे सहित पूरे क्षेत्र में अमानक बिजली कटौती से अंधेरा छा जाता है। इतना ही नहीं, क्षेत्र की जनता के लिए सबसे बड़ी समस्या बिजली विभाग के आला अधिकारी एवं कर्मचारी बन चुके हैं, जो उपभोक्ताओं की परेशानी को सुनने को तैयार तक नहीं है। अमानक बिजली कटौती मार झेल रहे लोगों के लिए बिजली की आंख मिचौली मुसीबत बनी हुई है। लोग परेशान एवं त्रस्त हैं, तो वहीं पेयजल की समस्या उत्पन्न हो रही है, जिसको लेकर शासन के द्वारा आए दिन घोषणा की जाती है कि अंचल के किसानों सहित आम उपभोक्ता को जहां समय के अनुकूल बिजली उपलब्ध कराई जाएगी, तो वहीं किसी प्रकार की बिजली कटौती नहीं की जाएगी। लेकिन नईगढ़ी मुख्यालय सहित अंचल में बिजली की आपूर्ति इस कदर खराब है कि बिजली आने जाने में वक्त ही नहीं लगता। इस अमानक कटौती को लेकर जहां जनता में आक्रोश है, तो वहीं जिम्मेदार आला अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। आखिर जनता अपनी फरियाद किसको सुनाए? दिन तो किसी तरह से गुजर जाता है, लेकिन रात ढलते ही पूरे क्षेत्र में ब्लैकआउट जैसी स्थिति निर्मित हो जाती है। आम जनता परेशान है, लेकिन उपभोक्ताओं की परेशानी को न तो बिजली विभाग का अमला सुनने को तैयार है, न ही उच्चतम अधिकारी, जिसके कारण क्षेत्र की जनता खासा परेशान है। सबसे बड़ा संकट जल का है, जहां बिजली न होने से मोटर पंप सहित सप्लाई बाधित हो रही है। बूंद बूंद पानी के लिए जनता परेशान है। वहीं ग्रामीणों की माने तो जिम्मेदार अधिकारियों से संपर्क करने पर वो फोन तक रिसीव नहीं करते। जनता और किसानों की कोई सुनवाई नहीं हो रही। जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी मुख्यालय से गायब रहते हैं। वहीं एवरेज के बिल के नाम पर मनमानी वसूली जनता के लिए मुसीबत बनी हुई है। अब देखना यह होगा कि इस बेलगाम व्यवस्था पर सुधार होता है या फिर इसी तरह से अनिश्चितता बनी रहेगी। ये जनता के मन में बड़ा सवाल है। तो व्यवस्था के संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? मौजूदा गर्मी के महीने में अघोषित बिजली कटौती हो रही है। बिजली कटौती का कोई समय निर्धारित नहीं होता है, ग्राहकों को कोई सूचना नहीं होती है। दिन दिन भर बिजली गायब रहती है, रात में भी गायब रहती है। इससे सिर्फ किसानों भर को नहीं, बल्कि पीने के पानी के लिए भी लोगों को समस्या पैदा हो रही है। और जबकि मध्य प्रदेश में बिजली की कोई कमी नहीं है, ये बिजली विभाग के लापरवाही और उदासीनता के कारण पूरे रीवा जिला में नहीं, पूरे प्रदेश में भी और खासतौर से नईगढ़ी क्षेत्र में बिजली के कारण किसान, व्यापारी और गांव-गांव में भीषण जल की समस्या। किसान तो इतने परेशान हैं कि उनकी फसल कटी हुई खरिहान में रखी हुई है और लाइट ना होने के कारण थ्रेसर चल नहीं रहे हैं। व्यापारियों में ना तो व्यापार चल रहा है, सारे काम बिजली आधारित व्यापारी हैं और कई तरह के जो ऑफिशियल वर्क। इसमें पब्लिक भूखों मर रही है, खाना कहीं से पा जाती है, पानी कहाँ मिले उसको? और सब बिना बिजली के तो बोर नहीं चलेगा। अब बिजली इनकी आनी नहीं है और माननीय अध्यक्ष महोदय जी द्वारा वार्ड नंबर 8 वार्ड नंबर 7 में नाम लिखते हैं रतन मिश्रा। नईगढ़ी में विद्युत की समस्या के संबंध में क्या कहना चाहते हैं? भाई साहब, विद्युत की बड़ी समस्या है, किसान इतना परेशान है। सप्लाई नहीं आती, जब आती भी है तो दिन में बिजली देते हैं उसको। किसान दिन में इतनी बड़ी ताप में 45-46 डिग्री सेल्सियस तापमान है, किसान कैसे उसमें मिजाई जहाई कर सकता है? किसान बिल्कुल भुखमरी के कगार पर जा रहा है बिजली के वजह से। अब बिजली विभाग के जो आला अधिकारी हैं, बिल्कुल लापरवाही से काम करते हैं, सुनते नहीं हैं किसी की। उनके खिलाफ, किसानों के खिलाफ FIR भी करते हैं, रात दिन उसको जो है पकड़ते हैं जा करके और FIR करवाते हैं।